हेलो डेप्टी डायरेक्टर वेलकम बैक टू एग्जाम मेड इजी जैसे कि आप लोग थंबनेल देख चुके होंगे जो आज हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबल डेट ऑफ ईएसआईसी डेप्टी डायरेक्टर एग्जाम राइट गाइस दिस इज द रिवाइज्ड कैलेंडर ऑफ 2022 इशूड बाय यूपीएससी और इसमें जो uh, रिजर्व डेट रखा गया था गाइस ये 13 13 मार्च को रखा गया था राइट एंड टूडेस्ट ऑफ मार्च राइट तो अब ये हंड्रेड परसेंट sure है कि थर्टींथ को तो एग्जाम नहीं होना है क्योंकि ये रेगुलर एग्जाम है नहीं तो ये रिजर्व डेट में ही यूपीएससी एग्जाम लेगा तो ये थ्री सेवन ट्वेंटी 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 टू को रिजर्व डेट रखा गया है अब ये क्यों बहुत ज्यादा संभावित डेट है एग्जाम के लिए इसे हम लोग कुछ चर्चा कर फैक्ट ऑफ़ कोर्स इससे जो इसपे हम लोग बात कर रहे हैं इसमें ये देखा गया है जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करा था यूपीएससी से राइट और ये अभी हाल फिलहाल तक जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो लोग कॉल कर रहे हैं तो सबको ये कहा जा रहा है जो ये तीन चार महीने में एग्जाम हो जाएगी राइट दिस इज आई गॉट फीडबैक फ्रॉम मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स साथ साथ ही मैंने भी कॉल किया था राइट अराउंड वन वीक बैक तो मुझसे ही ऐसे ही कहा गया था जो ये तीन चार महीने में एग्जाम ले ली जाएगी तो अब जो तीन चार महीने यदि हम इसको देखते हैं तो कहीं भी रिजर्व नहीं है सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड जुलाई को ही रिजर्व है तो अब तो इतना श्योर हो जाए हम लोग जो मोस्ट प्रोबेबल जो सबसे संभावित जो एग्जाम के लिए डेट हो सकता है वो थ्री सेवन राइट अब उस इस पे हम लोग कुछ बात कर ले राइट right? जैसे कि आपको पता है जो यू हैव फोर मंथ्स इन योर हैंड इफ वी यदि आज से हम लोग बात करें तो आज से लगभग चार महीने आपके पास मार्च अप्रैल मे जून राइट तो ये चार महीने हैं अब जैसे कि मेरा इंट्रैक्शन बहुत सारे एक्सपीरियंट से होता रहता है तो वो सब बताते हैं कि सर पढ़ाई में थोड़ा सा ढीलापन यू नो देव बिकम लेजी राइट तो अब जो समय है गैज यू मस्ट वेकअप क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ चार महीने हैं और इस जो पिछले तीन चार महीने में जो सीरियस स्टूडेंट थे वो अपना पढ़ाई को जारी रखे थे राइट right? तो यदि आप अभी भी स्टार्ट नहीं करते हैं देन ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। सो आई आई सजेस्ट एंड यू नो कि आप अब तो जाग ही जाए राइट मेक योर फोर मंथ्स स्ट्रेटजी। आज से आप लोग क्योंकि आज फर्स्ट ऑफ द मार्च है तो आज से आप लोग अपना स्ट्रेटजी बना ले कैसे आपको अगले चार महीने में करना है एंड दिस इज हाई टाइम यू शुड स्ट्रेंथन योर वीकनेस जिस सिलेबस के पार्ट में आपको लग रहा है जो ये पार्ट आपका कमजोर है तो ये तीन चार महीने में आप उसको स्ट्रॉन्ग कर ले एंड फोकस ऑन रिविजन वट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है या जो आपका यू you नो know, जिसको आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उसको आप बार बार रिवाइज करिए तो ये दोनों जो मंत्र है मंत्र है राइट ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू यू कैन यू नो एक्सेल अब वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम रेगुलर वीडियो ऑन विल बी कमिंग, राइट हम लोग बहुत ही जल्दी अफेयर्स पर वीडियो लेकर आ रहे हैं, राइट? एंड साथ ही साथ गाइस, एक और चीज आप लोगों को बता दूं, जो आर टीम इज वर्किंग हार्ड ऑन यू नो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर ऑफ द सिलेबस ऑफ इंडियन फ्रीडम जनरल साइंस इंडियन यूनियन पब्लिक डेवलपमेंट एच आर एम मार्केटिंग ए टी सी ये जितने भी सिलेबस हैं उसके जितने भी जितने भी टॉपिक्स हैं उसके सिलेबस उसका हर चैप्टर से जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो हो सकता है गैज सुन अनाउंस्ड हम लोग बहुत जल्दी उसको ला रहे हैं साथ ही साथ गाइज एज ऑलवेज आई सजेस्ट की फोकस ऑन मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश कंप्यूटर आर टी आई दे आर यू नो स्कोरिंग सब्जेक्ट यदि आप इस पे आपका कमांड है मींस यू आर गोइंग टू डू गुड राइट ये इस यहां से कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए

जी और टेलीग्राम से आप जुड़ी जाइएगा थैंक्स थैंक्स फॉर वाचिंग विश यू ऑल द बेस्ट और कल से रेगुलर वीडियो आ रहा है और हम लोग कोशिश करेंगे जो ये चार मंथ का स्ट्रेटजी हो तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको भी मैं लाऊं और आपको सूट करेगा तो आप उसके अनुसार चलिएगा अदरवाइज यू शुड यू यू मस्ट हैव योर ओन लेकिन ये चार महीने का यू you नो know, अच्छे से आप अब तो यूज करना स्टार्ट कर दीजिए राइट थैंक यू